और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे गेमर। और आगे वापस एक अमेजिंग वीडियो के साथ। दोस्तों यार, पबजी फ्री फायर की हमेशा आपको पता ही होगा लड़ाई होती रहती है, देखो कौन सा बेस्ट गेम है कौन सा नहीं। पर आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं पबजी वर्सेस फ्री फायर यूट्यूबर्स की बेस्ट कार कलेक्शन का। देखेंगे किन यूट्यूबर्स के पास, पबजी के यूट्यूबर्स के पास सबसे महंगी कार कलेक्शन है या फ्री फायर के यूट्यूबर्स के पास सबसे महंगी कार कलेक्शन है। देखते हैं किसकी सबसे बेस्ट निकलेगी। तो बिना किसी बकवास के वीडियो पे बढ़ते, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। बताओ आप क्या गेम खेलते हो, पबजी या फ्री फायर? नंबर 5 पे आ जाते हैं जोनाथन गेमिंग, जिन्होंने रिसेंटली BMW 3 सीरीज की 3030 IM स्पोर्ट कार खरीदी है। एंड लिटरली इसका प्राइस 60 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉस्ट करता है। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये कार अपने फादर को गिफ्ट किया दोस्तों। तो ये इनकी अभी फर्स्ट कार है जो कि इन्होंने खरीदी है, और इनसे पहले कोई कार हो तो इन्होंने रिवील नहीं किया दोस्तों। नंबर 4 पे आ जाते हैं डेडली डुओ मवी एंड स्काउट का, जिन्होंने भाई लिटरली सेम कार खरीद रखी है। इनके पास दोनों के पास मस्टैंग GTI है। जब दोनों ने कार खरीदी थी तो उस वक्त 70 लाख कोस्ट करती थी, पर फोर्ड के डिसकंटिन्यू होने जाने के बाद ये कार का प्राइस अब बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कार अभी 85 लाख की कोस्ट करती है मार्केट में। वहीं पर दोनों के पास सेम कार है ऑडी A6, जिसका प्राइस लिटरली 70 लाख रुपए से भी ज्यादा का कोस्ट करता है दोस्तों। नंबर 3 पर आ जाते हैं अपने 8-bit तक, जिनके पास दो कार है। पहली कार इनके पास MG Hector है, जो कि इस वक्त करंटली 22 लाख रुपए की कोस्ट करती है। जब इन्होंने खरीदी थी उस वक्त 20 लाख की थी। एंड इनके पास दूसरी कार Porsche 911 है, जिनका प्राइस 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक वेरी करता है इनके वेरिएंट के ऊपर। जितना मैंने सुना है इनके पास 2.5 करोड़ वाला वेरिएंट है दोस्तों। FPS गेम खेलना सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो कि आप अपने PC में ले सकते हो। बट उसको स्मूथ और एंजॉयबल बनाने के लिए आपको एक ऐसे ब्राउजर की जरूरत है जो कि खाली गेमर्स के लिए बना हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ब्राउजर लाया हूं जिसका नाम है ओपेरा GX। तो दूसरे ब्राउजर इतना सारा डेटा लेते हैं जिससे हमारी गेम लैग करती है, वहीं पर ओपेरा GX में हमें GX कंट्रोल का एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे चाहे हम अपनी PC की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। इसमें हमें रैम लिमिटर और CPU लिमिटर का ऑप्शन मिलता है, जितनी चाहे उतनी ही रैम यूज होगी और उतनी ज्यादा CPU की पावर यूज होगी। और वहीं पर ओपेरा GX में एक नेटवर्क लिमिटर का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे हम जितना डेटा चाहे उतना ही गेम में यूज होगा दोस्तों। एंड दोस्तों अगर हम कंपेयर करें ओपेरा GX को अदर ब्राउजर से, तो ओपेरा GX देख पा रहे होगे कितना कम ज्यादा डेटा लेता है और ब्राउजर से, लिटरली दुगना कम डेटा लेता है। वहीं पर ओपेरा GX में एक सबसे बेस्ट फीचर मिलता है थीम्स का, जिसमें हम भाई अपनी मनपसंद की थीम लगा सकते हैं, डार्क थीम या लाइट थीम, जोन से मन है हम बोल लगा सकते हैं। एंड ओपेरा GX में एक फोर्स डार्क पेज का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे हम अपना कोई सा भी पेज को जब चाहे ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं, डार्क पेज बना सकते हैं दोस्तों। और वहीं पर ओपेरा GX में हम अपने फ्रेंड्स को डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आराम से एक बार कनेक्ट होकर आराम से जुड़ सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट फीचर है। एंड वहीं पर हमें इसमें GX कॉर्नर का भी फीचर मिलता है, जिसमें हम नई नई गेम्स आती है, फ्री गेम्स आती है, हमें हर दिन अपडेट करता रहता है। तो दोस्तों देर की इस बात की, जल्दी से डाउनलोड करो ओपेरा GX, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। नंबर 2 पे आ जाते हैं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के ओनर रुशिंदर सिन्हा, जिनका चैनल भी है यूट्यूब पे, जिनके 1 लाख कुछ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इनके पास लिटरली 3 कार है भाई। तो पहले बात करें इनकी पहली कार का, तो इनके पास पोर्श केमन की कार है, जो कि 1.5 करोड़ का प्राइस है इसका 17-18। और वहीं पर इनके पास एक और BMW X3 कार है, जिसका प्राइस लिटरली 80 लाख रुपए से भी ज़्यादा कोस करता है। वहीं पर इनकी जो पहली कार, जो सबसे महंगी कार है, वो इनके पास पोर्श केमन का ही मॉडल है 718 का, पर इनका जो मॉडल कॉस्ट करता है वो 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कोस करता है। एंड इन पे 3-4 और कार है जो कि छोटी मोटी कार है, जो 10-15 लाख रुपए की कुछ कोस्ट करती है, जो कि इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह को दे रखी है या गिफ्ट कर रखी है दोस्तों। नंबर 1 पे जो आ जाते हैं VLT Sentinel आ जाते हैं, जो कि वेलोसिटी गेमिंग के ओनर है। इनके पास कार कलेक्शन जो है वो BGMI कम्युनिटी का सबसे बेस्ट कार कलेक्शन है। सबसे पहली कार की बात करें तो इनके पास BMW M2 स्पोर्ट है, जिसका प्राइस लिटरली 1 करोड़ से भी ज्यादा का कोस्ट करता है दोस्तों। एंड मैं आपको बता देता हूं, लिटरली ये कंपनी ने बनानी बंद कर दिया, इसका मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया है। इनके बाद नंबर जो दूसरे पे कार आ जाती है इनकी BMW X5, जिसका प्राइस 96 लाख कोस्ट करता है मार्केट में। एंड वहीं पर मैं बात करूं इनकी तीसरी कार का, तो इनके पास एक Audi Q8 भी है, जो कि 1.2 करोड़ का जिसका प्राइस है लिटरली। एंड जो इनकी सबसे महंगी कार आती है वो उसका नाम है Ferrari 812। एंड लिटरली ये कार, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, ये कार 6-6.5 करोड़ की कोस्ट करती है दोस्तों। एंड इनके पास 5-6 कार और है, जो कि छोटी मोटी कार है 10-15 लाख की, वो मैंने
इस वीडियो में नहीं दिखाई, तो इस वजह से आप इनका कार कलेक्शन का कोस्ट 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। और वहीं पर अब बढ़ते हैं फ्री फायर यूट्यूबर्स की कार कलेक्शन के ऊपर। तो नंबर 6 पर जो बंदे आते हैं इनका नाम है TSG ब्रदर्स, इनके 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। एंड ये दो भाई चलाते हैं मिलके, एक का नाम है ऋतिक जैन, एक का नाम है जैस भाई। तो दोनों दोस्त जो है उनके पास, ऋतिक भाई के पास MG हेक्टर है, उनके पास वो जो कार कोस करती है 22 लाख रुपए की कुछ कोस करती है, मैंने आपको पहले बताया था। एंड जैस भाई के पास क्रेटा है जो कि 18 लाख रुपए की कुछ कोस करती है। नंबर 4 पर आते हैं आर्टिटेक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट यूट्यूबर है। एंड लिटरली इस भाई की तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी छोटी उम्र में इतनी महंगी महंगी कार खरीदी। तो इनके पास सबसे पहली कार जो आ जाती है वो XUV 700 AX का SMT मॉडल है, जो कि 22 लाख रुपए का कोस्ट करता है। और वहीं पर इनके पास दूसरी कार है मर्सिडीज बेंज की CLA 200D, जो कि 42 लाख रुपए की कोस्ट करती है। लिटरली बहुत इतनी छोटी उम्र में इतनी महंगी महंगी कार। दोस्तों आप इतनी इनकी उम्र में क्या कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं साहिल राणा पूर्व AS गेमिंग, जिनकी भाई साहब पहली कार है मस्टैंग, जब इन्होंने खरीदी थी 70 लाख रुपए की कोस्ट करती थी। एंड उसके बाद इन्होंने अपनी एक और नई कार खरीदी जिसका नाम है फॉर्च्यूनर, इसकी कोई बात क्या है, ये 50 लाख रुपए की इनकी कोस्ट करती है लिटरली। नंबर 2 पे फ्री फायर कम्युनिटी के जो यूट्यूबर आते हैं ज्ञान गेमिंग, इनके पास भी लिटरली कार और बाइक कलेक्शन बहुत ज्यादा है। सो इनकी सबसे पहली कार की बात करें तो इनके पास ओडी Q5 है जो कि 73 लाख की कोस्ट करती है। एंड इनके पास एक थार भी है जो कि 20 लाख रुपए की कोस्ट करती है। एंड इनके पास एक BMW Z3 आ जाती है जो कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कोस्ट करती है। एंड एक दो छोटी मोटी कार होगी तो वो इन्होंने अपने घर वालों को गिफ्ट कर रखी है, वो नहीं इन्होंने दिखा रखी है। नंबर 1 पे इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, एक ही बंदा हो सकता है, वो है लोकेश गेमर। इनके पास सबसे पहली कार की बात करें तो इनके पास सबसे पहली कार किया सेल्टोस है, जो कि इन्होंने अपने घर वालों को, फादर को गिफ्ट की थी, 20 लाख रुपए की जो कोस्ट करती है। एंड उसके बाद जो कार आ जाती है वो आ जाती है मस्टैंग GT, जो कि 80 लाख रुपए की कोस्ट करती है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली मस्टैंग GT खरीदी है। एंड इनकी पहले नंबर पे जो कार आ जाती है वो आ जाती है BMW i8, जो कि 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कोस्ट करती है। एंड ये मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2019 में। एंड ये वाली कार बहुत ही रेयर है इंडिया में, ये शाहरुख खान के पास ही ये वाली कार है, एंड बहुत ही कम रेयर कार है ये, मतलब लिटरली बहुत रेयर कार है। दोस्तों कमेंट्स में बता देना आपका कौन सा सपना, आपकी फेवरेट कार कौन सी, मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। मेरी फेवरेट कार की बात करें तो मर्सिडीज GA 63 AMG जरूर होगी, वो कभी ना कभी तो लेंगे दोस्तों।